जो जैसा करता है वैसा ही उसे फल की प्राप्ति होती है। कब और कैसे यह उसके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। कौन से कर्म का फल कब उदय होगा यह कोई नहीं जानता। श्रवण कुमार के माता पिता का वध करने पर उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागोगे, जबकि उस समय तक राम लक्ष्मण आदि पैदा भी नहीं हुए थे। अर्थात कर्म का फल आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। ये विचार वरिष्ठ नागरिक मंच संस्थान की जुलाई माह की बैठक में डॉक्टर आरसी लोढ़ा, पूर्व जीएम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पूर्व ईडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने व्यक्त करते हुए कहा कि हमें पांच व पानी, प्रकाश, पवन, परिवार और पर्यावरण से जुड़े रहना है। महासचिव मदन खटोर ने कार्यक्रम का संचालन भी किया और बताया कि इस अवसर पर नए बने सदस्यों, जुलाई माह में जन्मदिन एवं विवाह की 25वीं वर्षगांठ वाले सदस्यों का अभिनंदन भी किया गया। अध्यक्ष बीएल माहेश्वरी ने सभी का स्वागत किया। प्रांतीय महामंत्री शंकरलाल सोमानी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगामी संभावित विदेश यात्राओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के पश्चात बंशीलाल गोविंद प्रसाद सोलानी द्वारा प्रदान किए गए 150 तुलसी के पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। कार्यक्रम में ओपी हिंगर, रामेश्वर लाल काबरा, रजनीकांत आचार्य, शशिकांत शर्मा, अनिल जैन आदि उपस्थित थे।